डीडी संक्रमण में क्या होता है? ये संकुल यौगिकों के रंग का महत्वपूर्ण कारण होता है। तो संकुल यौगिकों है वो रंगीन होते हैं, कुछ रंगहीन भी होते हैं। रंग के दो कारण होते हैं, सबसे पहला कारण है डीडी संक्रमण और दूसरा कारण है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, तो ये चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दो प्रकार का होता है। एक होता है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, LMCT बोलते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। एक होता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर, यानी कि चार्ज है वो लिगेंड से मेटल की ओर जा सकता है या फिर मेटल से लिगेंड की तरफ आ सकता है। जैसे देखो सामान्य है, होता है ऐसा है कि चार्ज लिगेंड अपने लोन पेयर मेटल को देता है या लिगेंड अपने लोन पेयर सेंट्रल एटम को देता है, तो चार्ज है वो लिगेंड से मेटल की ओर जा रहा है। कई बार इसका उल्टा भी होता है कि लिगेंड ने अपने लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट किए, लेकिन इसके बदले में सेंट्रल एटम कई बार अपने इलेक्ट्रॉन बदले में कि इसने कुछ दिया तो मेरे को भी कुछ देना चाहिए। इस प्रकार से कई बार लिगेंड के अंदर खाली कक्षक होते हैं और मेटल के अंदर भरे कक्षक होते हैं, तो भरे हुए कक्षकों से खाली कक्षकों की ओर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसको कहा जाता है मेटल टू लिगेंड, मेटल से लिगेंड की तरफ जा रही है, तो इससे को कहा जाता है मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। और लिगेंड टू मेटल, लिगेंड अपने लोन पे डोनेट करने की प्रवृत्ति के कारण लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। तो चार्ज ट्रांसफर दो प्रकार के होते हैं, लिगेंड टू मेटल और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। इसके कारण भी संकुल होते हैं, वो रंगीन होते हैं। लेकिन एक कारण आपको ये भी बताया, डीडी संक्रमण है, इसके कारण भी संकुल कंपाउंड होते हैं, वो रंगीन होते हैं। लेकिन गहरा रंग कब आता है? गहरा रंग तब आता है जब जब CTS हो, यानी कि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। कैसा रंग आता है? गहरा रंग। गहरा रंग देखा आपने, जैसे KMnO4, KMnO4 जो पोटेशियम पर मैग्नेट कहते हैं, जिसको अपने लाल दवा कहते हैं। तो लाल दवा का आपने प्रैक्टिकल किया है, वो पिंक कलर का अपने ब्यूरेट में लेते हैं, वो KMnO4 ही होता है। तो इसका कलर होता है वो बहुत ही गहरा होता है, ये मैरून कलर का होता है, लाल चमकीला होता है। इसके अलावा K2Ca2O7 पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका रंग ऐसा होता है जैसा किन्नू होता है, किन्नू संतरा ऑरेंज कलर का होता है, ये बहुत ही सुंदर। तो इनके गहरे कलर आते हैं। डीडी संक्रमण से रंग आता है वो इतना गहरा नहीं होता। तो ये दो प्रकार के रंग के महत्वपूर्ण कारण है। संकुल यौगिकों के रंग के दो महत्वपूर्ण कारण है, सबसे पहला है डीडी संक्रमण और दूसरा है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा टू टाइप के होते हैं, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। तो इनको अपने एक एक कर विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डीडी संक्रमण। तो डीडी संक्रमण में क्या होता है? जैसे देखो, होता ऐसा है कि जो मेटल होता है, मेटल के अंदर जो डी कक्षक होते हैं, इनकी ऊर्जा बिल्कुल समान होती है। इन कक्षकों को समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। जब मेटल को चारों तरफ से लिगेंड घेर लेते हैं तो इनकी ऊर्जा एक बार बढ़ जाती है। जिस प्रकार से आपको बताया कि अपने चारों तरफ से अपने को कोई घेर ले आकर, तो अपने को चारों तरफ से घेर ले तो अपनी भी धड़कन हो है वो बढ़ जाएगी। बढ़ने के बाद में क्या होगा? कुछ की उसके पश्चात में एनर्जी में विपाटन हो जाता है। एक कक्ष की ऊर्जा पहले बढ़ गई, अब इसमें विपाटन होगा। मान लो अष्टफल के संकुल है, तो अष्टफल के में एक लिगेंड ऊपर जुड़ता है, एक लिगेंड नीचे जुड़ता है, और ये चार लिगेंड वर्ग समतलीय में जुड़ते हैं। तो इस प्रकार की ज्यामिति को कहा जाता है वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी। पिरामिडी और वर्ग समतलीय द्विपिरामिडी, वर्ग समतल बन गया, एक एक पिरामिड ऊपर है, तो इसको क्या कहेंगे? वर्ग समतलीय पिरामिडी, और एक पिरामिड नीचे भी है तो वर्ग समतल द्वि पिरामिड। इसी को क्या कहा जाता है? ओक्टाहेड्रल। अष्टफलकीय ज्यामिति है ये, अष्टफलकीय। तो अष्टफलकीय क्यों है? क्योंकि इसको इस प्रकार से एक फलक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, चार फलक ऊपर है, चार ही नीचे है, तो अष्टफलकीय ज्यामिति।
अबे अष्टफल के ज्यामिति में क्या होता है, टीटू जी कक्षक होते हैं इनकी एनर्जी कम होती है, जबकि इज्जी कक्षक होते हैं इनकी एनर्जी अधिक होती है। टीटू जी व इज्जी के बीच एक एनर्जी का गैप पाया जाता है जिसे डेल्टा ओ से दर्शाते हैं, और डेल्टा ओ क्या है, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। डेल्टा ओ क्या चीज है, डेल्टा ओ है ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन एनर्जी है, और डेल्टा ओ के जो मान है इसे क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग एनर्जी है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यानी कि क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा है। और यहां से बताया था आपको ये मान होता है वो -0.4 डेल्टा ओ होता है, और ये मान होता है वो +0.6 डेल्टा ओ होता है। अब होता संक्रमण में क्या होता है, मान लो कि कोई यहां पर इलेक्ट्रॉन है और इसको एनर्जी मिलती है तो ये छलांग लगाकर इसको, मान लो ये पहले ऐसी बात है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन है और यहां वाला खाली है, ये देखो खाली पड़ा है। अब क्या हुआ, इसने छलांग लगाई, छलांग लगाई तो ये मान लो कि यहां से छलांग लगा कहां पहुंच गया, यहां, तो ये नीचे वाला खाली हो गया, अब खाली दिखा दिया, और यहां पर क्या गया है, इलेक्ट्रॉन आ चुका है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ चुका है। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अपनी टी आई एच टू ओ की 6+3 है, टी आई एच टू ओ की 6+3 है, ये कोई संकुल है, यहां पर समन्वय संख्या 6 है, तो अपने कह सकते हैं कि sp3d2 या d2sp3 संकरण होगा, यहां पर d2sp3 संकरण होता है, ओक्टाहेड्रल ज्यामिति होती है, इसमें एक ही अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखो टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d2 4s2 4p0 4d0 4f0 4g नहीं होता। अब देखो यानी कि चौथी कक्षा है तो sp2f तो होंगे, जी नहीं होता, लेकिन अपने काम आने वाले नहीं है, अपने काम तो डी तक आते हैं। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4p में कितने इलेक्ट्रॉन है, और 4d में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये तो बात टाइटेनियम की थी, और टाइटेनियम ने नए तो अब तक इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, नहीं अब तक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। अब टाइटेनियम ने सोचा कि 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देने चाहिए, क्योंकि इस पर चार्ज +3 है ना, इसका मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, क्योंकि H2 उदासीन है। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था देखेंगे तो ऑक्सीकरण अवस्था देखने के लिए जिसकी भी ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करनी है उसको x मान लो, इसकी 0 है बराबर +3 है, इसका मतलब x बराबर क्या है, +3 है, x बराबर +3 है, इसका मतलब टाइटेनियम की कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था है, यहां पर +3। तो 3 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, 2 तो 4s से त्यागेगा, 1 3d से त्यागेगा, तो ये देखो जी ये लो यहां पर बेचारे में 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। अपने BBT पढ़ रहे होते तो d2sp3 संकरण बता देते काम पूरा, लेकिन अपने रंग पढ़ रही है तो d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और 1 इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है, ये रहा d में 1 इलेक्ट्रॉन था, और ये बैठा यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसको ऊर्जा मिली तब है। अब कितनी ऊर्जा मिलती है, ये 5000 आर्स्ट्रॉम का कोई फोटोन मिल जाए इसको, यानी कि किसी ऐसे फोटोन का अवशोषण करेगा ये, ई बराबर एच न्यू का अवशोषण किया, जिसकी जो लैम्डा है वेवलेंथ है वो 5000 आर्स्ट्रॉम है, तो इसका अवशोषण करेगा तो ये टीटू जी से छलांग लगाकर इजी में पहुंच जाएगा। अब इजी में कुछ समय के लिए ठहरेगा, फिर वापिस टीटू जी में आएगा। तो ये नीचे T2G है, ऊपर EG है, T2G में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जो 5000 आर्स्ट्रॉम
की एनर्जी का फोटोन मिला तो ये छलांग लगाकर पहुंच गया एजी में। तो होता ऐसा है कि जिस रंग का अवशोषण करता है उसका पूरक रंग अपने को दिखाई देता है। तो यहां पर इसने क्या किया है, 5000 अरस्टाम के प्रकाश का अवशोषण किया है, जिसके कारण अब ये रंग कौन कौन से होते हैं आपको पता बता दे थोड़ा सा, विब गयोर प्रकार का रंग होता है। किस रंग का अवशोषण करता है तो कैसा दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, किस रंग का अवशोषण करता है तो कैसा दिखता है, इसके लिए आपको ऐसा ध्यान रखना, एक बहुत ही छोटा सा डायग्राम ध्यान रखना, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप एक वृत्तनुमा बनाना और इसमें इस प्रकार से बनाना, पहले क्रॉस बना देना टिंग टिंग टिंग, तो इस प्रकार से आप इसको 6 पार्टों में बांट देना। अब देखो कहीं से शुरू कर देना, देखो वी बे गयोर, देखो वीप गयोर को लिखा है मैंने, इसके अंदर पहले खाने दो अक्षर लिखने हैं, वीप गयोर, इस प्रकार से क्लॉकवाइज को आते हुए लिख देना है। ये एक दूसरे के पूरक रंग हो गए, इतना ही याद रखना था। बल्यू का पूरक क्या है, ऑरेंज है, ये बल्यू है और बल्यू का पूरक कौन, ऑरेंज, बल्यू का पूरक होता है ऑरेंज, संतरे जैसा, और वोलेट या इंडिगो का पूरक येलो, येलो, वोलेट या इंडिगो का पूरक होता है येलो। यानी कि वोलेट इंडिगो यानी कि लगभग बैंगनी, बैंगनी का पूरक कौन, येलो, और रेड का पूरक है, ये रेड है, रेड का पूरक क्या होता है, ग्रीन, रेड का पूरक ग्रीन, तो ग्रीन मार्कर से लिख देता हूं मैं, देखो ये देखो रेड का पूरक कौन सा होता है, ग्रीन, तो कौन किसका पूरक, यानी कहने का अर्थ क्या है, यदि ब्लू रंग का अवशोषण कर रहा है तो ऑरेंज दिखेगा, ऑरेंज का अवशोषण कर रहा है तो ब्लू दिखेगा, लाल का अवशोषण कर रहा है तो हरा दिखेगा, हरे का अवशोषण कर रहा है तो लाल दिखेगा, वोलेट इंडिगो का अवशोषण कर रहा है तो येलो दिखेगा, येलो का अवशोषण कर रहा है तो वोलेट इंडिगो दिखेगा। इस प्रकार से आप बता सकते हो कि किस रंग का कोई अवशोषण करता है वो कैसा दिखाई देता है। और एग्जाम में ये प्रश्न आता है, आरपीएससी में ये प्रश्न आया था कि कोई ऑरेंज रंग का अवशोषण कर रहा है तो कैसा दिखेगा, ब्लू दिखेगा, कोई ब्लू का अवशोषण कर रहा है तो ऑरेंज दिखेगा, तो ऑरेंज उत्तर था। ये पूछा गया था कि कोई संकुल है वो ब्लू रंग का अवशोषण कर रहा है कैसा दिखाई देगा, आपको बताना था ऑरेंज दिखाई देगा। तो यहां पर ये 5000 अरस्टाम के प्रकाश का अवशोषण कर रहा है तो अब ये कैसा दिखाई देगा, तो ये दिखाई देता है बैंगनी, बैंगनी, क्योंकि जो येलो बैंगनी वोलेटेंडिंग ये येलो के नजदीक होता है तो ये कैसा दिखाई देगा, बैंगनी। तो एक बार आया कि इसका रंग क्या होता है, TI H2O की 6 RPSC के एग्जाम में पूछा गया, TI H2O की 6+3 का रंग कैसा होता है, तो आपको बताना था बैंगनी। तो याद कर लेना एक इस एग्जाम्पल का, आप कहोगे सभी संकुलों का रंग हमारे को याद हो सकता है क्या, ना सभी का याद नहीं हो सकता, लेकिन यही पूछा जाता है एग्जाम में कि TiH2O की 6 का क्या होता है, तो आपको याद रखना कि इसका रंग तो बैंगनी होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग बैंगनी होता है, हरा होता है, हरा क्यों होता है, वो लाल रंग का अवशोषण करते हैं, पौधे का रंग हरा होता है, हरा होने का अर्थ क्या है, पौधे है वो लाल रंग का अवशोषण करते हैं, लाल रंग का अवशोषण कर लेंगे तो जो बचा हुआ होता है वो हरा होता है। जैसे मान लो 7 रंग है, वीब क्योर ऐसा है, कोई लाल रंग का अवशोषण कर लिया, लाल रंग का अवशोषण कर लिया तो बच गए इतने रंग, इतने रंगों का कंबाइंड प्रभाव क्या होगा, वो क्या होगा, ग्रीन, ऐसा होता है। यानी कि एक रंग का कोई अवशोषण कर ले बाकी बचे हुए
उसका ओवरऑल रंग क्या होगा वो उसके आधार पर पता चलता है। तो इसके लिए आप ये ध्यान रखो, दोबारा से बनाकर दिखाता हूं मैं, कि आप इस प्रकार से, ये बहुत ही शानदार डायग्राम है, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है याद करने के लिए। आप पहले एक क्रॉस बना दो इसमें और एक इस प्रकार से, फिर इसमें दो वीप गैर योर वीप योर। अभी एक दूसरे की उल्टी रहते हैं, रेड का पूरा ग्रीन, ग्रीन का पूरा रेड, ब्लू का ऑरेंज, ऑरेंज का ब्लू, येलो का वॉयलेट या इंडिगो, वॉयलेट इंडिगो का येलो। तो ये पूर्व है। अब देखो इसके रंग की खास बात और थोड़ा सा आपको बताएं कि अपने जो देख सकते हैं, जो रंग होते हैं, जो अपनी आंखें देख सकती है वही रंग है। सभी रंगों का कंबाइंड व्हाइट होता है। आप जैसे मान लो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इनको समान मात्रा में मिला दोगे ना इन सात रंगों को, तो बनेगा वो व्हाइट बनेगा। यानी कि वॉयलेट भी मान लो आपने 10 ml ले लिया, इंडिगो भी 10 ml, ब्लू भी 10 ml, ग्रीन भी 10 ml, येलो भी 10 ml, और ऑरेंज भी 10 ml, और रेड भी 10 ml, तो जो ओवरऑल बनेगा वो व्हाइट बनेगा। तो इस प्रकार से आप जानते हो रेड और ब्लू को मिला दिया जाए, रेड और ब्लू को मिला दिया जाए तो येलो बनता है। तो ये आप येलो और रेड को मिला दिया जाए तो ब्लैक बनता है। तो ये आपस में मिलाने से कौन सा रंग बनता है ये आप को थोड़ा थोड़ी आइडिया होना चाहिए। तो चार मूल रंग होते हैं, बाकी फिर आगे से आगे मिलाकर बनाए जाते हैं। इसमें से भी अपने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी में चार्ट पढ़ा होगा आपने, सबसे पहले कॉस्मिक किरणें होती है, उसके बाद में गामा आती है, उसके बाद में एक्सरे आती है, उसके बाद में पराबैंगनी आती है, अल्ट्रावायलेट बोलते हैं, फिर कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, पराबैंगनी, दृश्य। ये दृश्य जो दिखाई देता है अपने को, यहां से यहां ऐसे जा रही है तो लैम्डा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि वॉयलेट का लैम्डा होता है वो छोटा होता है, जबकि रेड का लैम्डा होता है वो बड़ा होता है। यानी कि वॉयलेट का लैम्डा कितना को होता है, वॉयलेट का लैम्डा होता है 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास, कई 3800 से 3700 मानते हैं, 3800 से 3700 मानते हैं, कई कई 3800 से 3800 मानते हैं, कई 4000 से, मोटा मोटी अपने ये ले लेते हैं 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम वाला क्या होता है, वॉयलेट होता है, और 4000 से थोड़ा सा अपने ज्यादा हुआ तो वो कैसा हो गया, इंडिगो, फिर और थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो ब्लू हुआ, फिर उसके बाद में फिर ग्रीन हुआ, ग्रीन के बाद में येलो हुआ, येलो के बाद में ऑरेंज हुआ, ऑरेंज के बाद में रेड हुआ, और येलो और ग्रीन के बीच का जो पॉइंट होता है वो 5500 एंगस्ट्रॉम होता है। और 5500 एंगस्ट्रॉम का जो लाइट होती है वो अपनी आंखों के लिए सबसे संवेदनशील होती है, अपने को सबसे अच्छा कलर दिखता है वो 5500 एंगस्ट्रॉम वाला दिखता है। अब आप कहोगे 5500 एंगस्ट्रॉम का कौन सा होता है, जो अपने 5500 एंगस्ट्रॉम का जो कलर होता है वो होता है गोल्डन येलो टाइप का सा होता है, गोल्डन येलो, गोल्डन येलो अपने जो हाइलाइटर काम में आता है, सामने कई विद्यार्थी देखे होंगे हाइलाइटर काम में लेते हैं, तो हाइलाइटर जो आता है उसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, 5500 एंगस्ट्रॉम का होता है। तो 5500 एंगस्ट्रॉम का जो कलर है वो हाइलाइटर जैसा होता है, तो ये अपनी आंखों के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील होता है। और रेड का जो होता है वो 8000 एंगस्ट्रॉम का होता है रेड का। तो ये बात थी कि डी कक्षकों की ऊर्जा में बटन हुआ, टीटू जी वाले कोई ऊर्जा मिलती है तो टीटू जी वाला छलांग लगाकर एजी में चला जाता है, एजी में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, जिस रंग का अवशोषण करता है उसका पूरक रंग अपने को दिखाई देता है। लेकिन ध्यान दें कि अवशोषण करना चाहिए दृश्य प्रकाश का, दृश्य के अलावा किसी का अवशोषण कर रहा है, यानी कि इधर वाले 4000 एंगस्ट्रॉम से कम एंगस्ट्रॉम का अवशोषण करेगा तो कुछ नहीं दिखेगा अपने को, और 8000 के बाद का किसी प्रकाश का अवशोषण करेगा तो कुछ नहीं दिखेगा। अपनी आंखों की क्षमता है कि वो 4000 से लेकर 8000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य को देख सकती है, बाकी को अपनी आंखें देखती नहीं, अपनी कान भी
होता है कि कानों की सुनने की क्षमता भी एक निश्चित रेंज की होती है, 20 से 20 हजार हर्ट्ज आवृत्ति की, यानी 20 हर्ट्ज आवृत्ति की कम की तरंग आती है तो अपने कान सुन नहीं सकता, और 20 हजार से ज्यादा की आती है तो उसको भी अपना कान सुन नहीं सकता। तो अपने नए तो पूरा सुन सकते हैं, नहीं पूरा देख सकते हैं, अपने सुन सकते हैं 20 से 20 हजार हर्ट्ज आवृत्ति को तो सुन सकते हैं, और 4,000 से लेकर 8,000 आर्मस्ट्रांग की जो तरंग दैर्ध्य की प्रकाश है उसको अपने देख सकते हैं। बाकी प्रकाश को कम ज्यादा वाले को देख नहीं सकते, 20 और 20 हजार के आगे पीछे वाले को भी देख नहीं सकते।